हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए फिर, हमने जो अपना प्रीवियस टॉपिक रेस्पिरेशन कंप्लीट किया है, जिसके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं एनसीईआरटी के, हम उन्हें देख लेते हैं और उन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वही ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। मैं एटलीस्ट क्वेश्चंस तो हमें बहुत सारे लगाने चाहिए, मगर एक्चुअल में करना क्या है कि मगर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन पर फोकस पूरी तरह से होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका पेपर बनता है। एक्स्ट्रा नॉलेज अच्छी चीज़ है, मगर क्या होता है, हमें एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं भी जब इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा लूँगी तो एक बार पूरा एनसीईआरटी से इसको एक बार लाइन टू लाइन पढ़ा दूँगी, फिर वो मैं अपना रिवीजन में रखूँगी एनसीईआरटी का जो पार्ट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वही, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स लाइक ह्यूमंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न कौन सा प्रोसेस होता है? वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है? मान लीजिए हमने गमले के अंदर पानी डाला और जो प्लांट है उसकी जो रूट है उसके अंदर वाटर का क्या है, अमाउंट कम है, तो जो गमले के अंदर का जो पानी है वो रूट के थ्रू डिफ्यूज़ करके कहाँ पहुँच जाएगा? रूट के अंदर, ठीक है? तो डिफ्यूज़न ये, तो चलिए पढ़ते हैं इसका आंसर। इन्होंने ये पूछा है कि डिफ्यूज़न जो है वो क्यों इनसफिशिएंट, ठीक है? तो आंसर क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लाइक ह्यूमंस हैव अ वेरी बिग बॉडी, ठीक है? हमारी बॉडी बहुत बड़ी होती है क्योंकि हम मल्टी सेलुलर है, हमारे में बहुत सारे सेल हैं, तो हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू डिफ्यूज इन टू द बॉडी क्विकली इन ऑर्डर टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। एक तो हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हाई है, दूसरा हमें बहुत जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है, ठीक है? डिफ्यूज़न बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे, बट इट टेक्स टाइम, ठीक है? तो विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सर्कुलेट ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स। तो एक एक बॉडी के सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना डिफ्यूज़न के बस का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे ये अपनी कंसंट्रेशन के हिसाब से चलता है, ठीक है? बिकॉज ऑफ इट्स स्लो नेचर, इसका नेचर बहुत स्लो है, तो डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। अब इसमें आप आंसर लिखेंगे कैसे? आपको देखिए इसमें कुछ मेन पॉइंट समझने होंगे, जैसे डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, अगर आप ये लिखेंगे तो ये आपका काम बना देगा, मतलब आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है? देखिए, डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सर्कुलेट ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स, ठीक है? तो इसीलिए इसका बिकॉज ऑफ इट्स स्लो नेचर डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट। तो हम इतना पोर्शन ये कवर कर सकते हैं, हम ऊपर का पोर्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है? मगर अगर मैं इसे और शॉर्ट आंसर में करना चाहें तो यहाँ से हम डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेसेस को लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने ना फोटोसिंथेसिस का डाली है, मगर मैं फोटोसिंथेसिस अलग से टॉपिक कवर में बनाऊंगी। चलिए तो मगर डाल दिया तो पढ़ लेते हैं। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? कहाँ से मिलते हैं फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स? प्लांट को जो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो CO2 होती है, वो कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है, हमारी एटमॉस्फेयर में CO2 है, और कहाँ से अंदर जाती है? स्ट्रोमाटा के थ्रू जाती है। वाटर एब्जॉर्ब होता है बाई प्लांट रूट फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है? चलिए, सनलाइट होती है वो असेंशियल रॉ मटेरियल, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में होती है, तो सनलाइट भी एक असेंशियल रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के बाद। फिर इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेंड बाय सॉइल बाय प्लांट्स रूट्स, और न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो से कहाँ से मिलते हैं? प्लांट की रूट्स से, ठीक है? तो क्या क्या रॉ मटेरियल है? CO2, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमक? HCl का क्या रोल होता है? HCl प्रेजेंट इन द स्टोमक डिजॉल्व फूड पार्टिकल्स एंड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। याद रखिएगा, HCl जो होता है वो स्टोमक के फूड पार्टिकल को डिजॉल्व करता है और वहाँ पर एक एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है। इन एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक इन्वायरमेंट में ही प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, ठीक है, पेप्सिनोजन, वो कन्वर्ट होता है किसमें? पेप्सिन। किसमें कन्वर्ट होता है? पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन, ठीक है? HCl इन द स्टोमक ऑल्सो एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट मैनी डिजीजेस कॉजिंग पैथोजन। दो पॉइंट इसमें निकल के आते हैं सिंपल। पहला, पेप्सिनोजन जो होता है वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि अगर स्टोमक के अंदर एसिड ही ना रिलीज हो तो क्या, तो
क्या होगा, तो आप उसमें क्या बताएंगे? आप उसमें भी सेम आंसर है कि दो काम रुक जाएंगे, एक तो पेप्सिनोजन का कन्वर्ट होना पेप्सिन में रुक जाएगा क्योंकि उसे एसिडिक मीडियम चाहिए, और दूसरा जो भी हमारे जो भी हम खाना वाना खाते हैं ना, गोलगप्पे वगैरह, उसमें जो डिजीजेज या पैथोजन जो भी कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ हम खाते हैं उनमें जो पैथोजन या कोई डिजीज़ होती है तो उसे किल करने का काम कौन करता है? ऐसे ठीक है, तो ये दो काम रुकेंगे। चलिए, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो कैसे डिजाइंड होती है अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड के लिए? कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन हैज स्मॉल प्रोजेक्शन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें प्रोजेक्शंस होते हैं छोटे छोटे, माइक्रोविली जिसे कहते हैं। पढ़ा था ना कि फिंगर लाइक होते हैं, किस तरह के होते हैं? इस तरह फिंगर लाइक उसमें देखने को मिलता है हमें, इस तरह के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। ये इस साल अभी का जो पेपर हुआ है ना, उस पेपर में ये क्वेश्चन आया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविली विच इंक्रीज द सरफेस वॉल्यूम विच मेक्स एब्जॉर्प्शन मोर इफेक्टिव। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस वॉल्यूम विच मेक एब्जॉर्प्शन मोर इफेक्टिव, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं जिससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। विद इन द विली देयर इज ए न्यूमरस ब्लड वेसल दैट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। विद इन द विली देयर इज ए न्यूमरस ब्लड वेसल्स दैट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इट इन टू द ब्लड स्ट्रीम। इस विली के अंदर ही क्या होता है, कई सारी इसमें ब्लड वेसल्स आपकी क्या होती हैं, ठीक है, लगी होती हैं, इसमें चिपकी होती हैं ब्लड वेसल्स, और यहीं इन ब्लड वेसल से ही जो खाना सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट गया, कार्बोहाइड्रेट जैसे आपका शुगर ग्लूकोज में टूट गया, तो ये सारे क्या होते हैं, ये आपके किस में चले जाते हैं, इसी विली से डायरेक्ट इन ब्लड वेसल्स के अंदर आपके किस में जाते हैं, ये विली है यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं ये सब इसमें, ठीक है, इन सब के अंदर ब्लड में चले जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्यूटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्डेड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? क्या मतलब, इनका कहने का मतलब है कि वो क्या एडवांटेज होते हैं एक एक्यूटिक ऑर्गेनिजम्स के, डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्डेड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन, यानी एक्यूटिक ऑर्गेनिज्म के मुकाबले टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको ऑक्सीजन से को ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में या लेने में या रेस्पिरेशन में उनका क्या मदद मिलती है? देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक, जो ज़मीन में रहते हैं उनको एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन होती है, मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है ऑक्सीजन फ्री अमाउंट में होती है, ठीक है। और टेक ऑक्सीजन, और जो वाटर होती है, वाटर होता है उसमें पानी के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है, तो ऑक्सीजन लेवल हाई होता है किसमें, एटमॉस्फेयर में, किसके मुकाबले, वाटर के कंपैरेटिवली। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ज़्यादा तेज़ सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनका रेस्पिरेशन तेज़ होता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास आराम से ऑक्सीजन आती है, ठीक है। जबकि पानी में क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो वहाँ पर जो एक्यूटिक एनिमल्स हैं उन्हें ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है, उनका रेस्पिरेशन रेट फास्ट होता है टू गेट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। मैंने आपको ये पार्ट समझाया था एक एग्जांपल से कि जब कभी हमें लेट हो रहा होता है तो हम जल्दी जल्दी भाग भाग के अपनी बस को पकड़ते हैं स्कूल की, और जब हमारे पास टाइम है तो हमें भागने की क्या ज़रूरत है, हम आराम आराम से चलते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि बार बार जल्दी जल्दी सांस ले, वो आराम से लेते हैं। और पानी वालों के पास क्या प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन लिमिट कम है, तो वो जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म? डिफरेंट वेज क्या है ग्लूकोज के ऑक्सीडाइज करने के, ठीक है। ग्लूकोज किस किस तरह से ऑक्सीडाइज होता है, यानी रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से किस किस तरह से एनर्जी निकाली जाती है, ठीक है। तो ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, C6H12O6, किस में टूटता है, 3 कार्बन कंपाउंड में टूटता है जिसे पैरोवेट कहते हैं। ग्लूकोज पहले किस में टूटा, 3 कार्बन कंपाउंड में टूटा जिसे पैरोवेट कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, और यहाँ पे क्या टूट रहा है, ग्लूकोज। तो फर्दर ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट, देखिए सारे ऑर्गेनिजम्स में ग्लूकोज का क्या होता है,
जो आपका ग्लूकोज होता है वो किस में टूटेगा? सबसे पहले पाइरूवेट में, ठीक है। ग्लूकोज किस में टूटेगा? पाइरूवेट में टूटेगा। ऐसे हम बना लेते हैं इसको, ये पी हो गया, पाइरूवेट हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लूकोज का टूटना किस में? पाइरूवेट में, क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद का जो ये सारे ऑर्गेनिज्म में सेम, यानी एरोबिक, एनारोबिक, फर्मेंटेशन, इन सब में तीनों प्रोसेस में ही सेम है। कहानी हमेशा इससे आगे होती है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये टूटता है किस में? पाइरूवेट में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। ये साइटोप्लाज्म में होता है, जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको जहाँ डॉट 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 दिख रहा है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ग्लूकोज का कहाँ पे टूटना? ग्लूकोज किस में टूटता है? पाइरूवेट में टूटता है। कहाँ पे? ये साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले आता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें क्या होता है? इसमें जो ईस्ट है वो टूटता है, ठीक है। इन ईयर्स लिखा है, गलत लिख गया है थोड़ा सा, वो एक्चुअल में ईस्ट। तो ईस्ट किस में टूटता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डेवलपमेंट होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, तो एनर्जी यहाँ पे बहुत कम रिलीज होती है। सेकेंड है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल, ये हमारी मसल्स में होती है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उस कंडीशन में उस एनर्जी हमें ज़्यादा, एक्चुअल में ऑक्सीजन के एनर्जी भी ज़्यादा बहुत चाहिए होती है, तो हमारे मसल्स के अंदर होता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से बाद में हमारी मसल्स में क्या होता है? पेन होने लगता है ना, ठीक है। लैक्टिस, सेकेंड वाला क्या है? लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। फिर ये वाली मेन रिएक्शन है जो, ठीक है, हमारे माइटोकॉन्ड्रियम होते हैं, सेल ऑर्गेनेल है एक माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, वहाँ होती है। तो सबसे पहले ग्लूकोज किस में टूटता है? पाइरूवेट में। फिर पाइरूवेट से किस में जाता है? जब ऑक्सीजन उसे मिलती है प्रेजेंस, क्योंकि हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है पूरी, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है? CO2 मिलता है, जो CO2 आप छोड़ते हैं, यानी जो CO2 हम बाहर रिलीज करते हैं वो रेस्पिरेशन में ही बनती है, ठीक है, वाटर बनते हैं, और प्लस 38 ATP एनर्जी मिलती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, 38 ATP एनर्जी मिलती है। ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछे जाने वालों क्वेश्चनों में से, तो इसे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। चाहिए तो इंडिविजुअल अलग अलग लिख लीजिए तीनों रिएक्शन, अगर आपको ये तीन रिएक्शन डिस्टर्ब करती है, और अगर आपको तीनों एक साथ समझ में आती है तो तीनों लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आपको जैसा आपको लर्निंग में दिक्कत ना हो आप अपने हिसाब से करिए, ठीक है। हर बच्चे का अलग होता है, किसी बच्चे को तीनों रिएक्शन एक साथ समझ में आती है, किसी को लगता है कि नहीं मैं मुझे कन्फ्यूज़न होता है, मैं अलग लिख के करूँगा, तो आप अलग लिख के कर लीजिए। हाउ इज़ ऑक, क्योंकि बच्चे अलग अलग डिफरेंट होते हैं ना, एक बच्चे की सोच या एक बच्चे का लर्निंग का वे दूसरे से अलग होता है। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग वीआर ब्लड स्ट्रीम, कहाँ से होते हैं? ब्लड के थ्रू होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ पे एब्जॉर्ब, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है? ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी बेसिकली कहाँ होती है? ब्लड के अंदर। ऑक्सीजन इज कैरिड इन द सेल वेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड अवे फ्रॉम द, ऑक्सीजन को कैरिड करते हैं सेल के अंदर, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को दूर ले जाते हैं, कैरिड अवे फ्रॉम द सेल, और ऑक्सीजन को सेल को देते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द एलोवोली ऑफ लंग्स, हमने पढ़ा था ना कि जो लंग्स के अंदर जो एलोवोली होते हैं वो ही मेन पार्ट जगह होती है जहाँ पर हमारा वही साइट ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब बाई द ब्लड कैपलरीज फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजन ले लेते हैं, एलोवोली बाई डिफ्यूजन, वाइल कार्बन, डिफ्यूजन का मतलब देखो ऑक्सीजन जो ब्लड होगा जो बह रहा होगा पास में एलोवोली के, मतलब ब्लड जो कैपलरीज या ब्लड वेसल्स होंगे उनमें, तो ऑक्सीजन का अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो वो जो ऑक्सीजन आई है वो उनकी उस ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन कम होता है। और हाई अमाउंट में CO2 होता है तो एलोवोली में CO2 का कम अमाउंट होता है तो एलोवोली में वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। एब्जॉर्ब बाई द लंग्स एलोवोली फ्रॉम द ब्लड कैपलरीज बाई डिफ्यूजन, ये इस प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है।
हाउ आर द लंग डिजाइंड इन ह्यूमन बींग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज. लंग्स कैसे डिजाइन किए गए ह्यूमन बींग के जिससे ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके. तो लंग्स में ब्रॉन्चियोल्स होते हैं, टर्मिनेट्स. ब्रॉन्चियोल सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, वहाँ पे एलोवोली होता है ना, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेप बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक. तो जो एलोवोली होता है उसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपलरीज होती हैं, ठीक है. ब्लड कैपलरीज क्या होती हैं? कैपलरीज ऑक्सीजन और कैपलरीज आर्टरीज एंड वेन्स को बीच में जोड़ती हैं, ठीक है. अभी आप ट्रांसपोर्टेशन में कैपलरीज से रिलेटेड पढ़ेंगे. दैट इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज. और इन एलोवोली के थ्रू ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे एनसीईआरटी के, बिकॉज बुक में लिखे रहते हैं. थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर हमें मिल जाता है तो हमें थोड़ा समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, ठीक है. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.